अगेन वेलकम टू श्यामाज मेकओवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ गाइस, लॉकडाउन की वजह से बोर ना हो जाओ, इसीलिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, सो दैट आप लोग भी कुछ नया सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ गाइस, आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया है। यस गाइस, अगेन अमेजिंग वीडियो फॉर यू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, बताना चाहती हूँ आज का जो टॉपिक है वो है सीक्रेट फॉर्मूला। यस गाइस, किस चीज़ का? यस गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू पेस्टल पिंक हेयर कलर ट्यूटोरियल। आप सीक्रेट फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि पेस्टल पिंक को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं आप, वो भी बहुत ही इजी। लॉरियल के ही शेड से आप पेस्टल पिंक कलर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक्चुअली ये शेड कैसा होने वाला है तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जी हाँ गाइस, ये एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को मैं लेके आज आपको सिखाने वाली हूँ पेस्टल पिंक कलर्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हैं, इस टाइम पे स्क्रीन पे जो पिक्चर आ रही हैं, जी हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही शेड आएगा। तो बेसिकली बात करते हैं पेस्टल पिंक कलर की। तो पेस्टल पिंक कलर एक ऐसा कलर है जो बहुत ही सूदिंग लगता है, बहुत ही लाइट फेडेड पिंक कलर है, और ऐसा पिंक कलर कि जब आप अगर इसको कैरी करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, यू नो। लेकिन ये है कि ज़्यादा टाइम तक ये लॉन्ग लास्ट नहीं करता है जैसे कि बाकी कलर लॉन्ग लास्ट करता है। ये कलर ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं करेगा, बट हाँ, कभी कभी आपके पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं और वो कहते हैं आपको कि हमें तो कोई पेस्टल पिंक की कलर चाहिए, चाहे लास्ट करे कोई बात नहीं, कुछ वॉशेस के बाद ये चला जाता है, कोई बात नहीं, बस आप तो कर दो। कभी कभी कोई क्लाइंट आता है ना आपके पास, अगर जानना चाहते हैं गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा बेल है, बेल आइकन को क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कभी कभी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ और आप लोगों को वीडियो मिलती नहीं है बिकॉज आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। जल्दी से क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और बताना चाहती हूँ गाइस कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, तो वो लोग भी सीख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बताना चाहती हूँ कि आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। और एक लास्ट वर्ड कि इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी तो समझ में आएगा कि पेस्टल पिंक कलर्स करते कैसे हैं। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहला स्टेप नंबर वन, आपने क्या करना है, लॉरियल का ही मल्टी टेक्निक ब्लीच लेना है, राइट। आप और भी ब्लीच यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि लॉरियल का ही मल्टी टेक्निक ब्लीच यूज़ कीजिएगा, राइट। इसका जो लिफ्टिंग प्रोसेस है वो 8 लेवल तक लिफ्ट होता है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करते हैं तो आप इसको ईजिली लिफ्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा बढ़िया से, वैसे 8 लेवल तक लिफ्ट करता है। आप लोगों को पता ही है इंडियन हेयर की जो एक्चुअल में जो बेस जो उसका जो नंबर होता है इंडियन हेयर का, अगर आप देखते हो तो 4 या 5 होता है, 3 नंबर बहुत कम होता है। जैसे कि साउथ इंडियन टाइप के हेयर जिसमें मेडुला पिगमेंट्स पाए जाते हैं, उनके बालों में उनका बालों का जो पिगमेंट्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तब जाके आपको 3 नंबर के बाल उनको देखते हैं। अदरवाइज मोस्टली अगर आप देखते हैं तो क्या देखते हैं, मोस्टली अगर आप देखते हैं तो आपको 4 नंबर और 5 नंबर का ही शेड दिखेगा, नेचुरल उनका जो अभी प्रेजेंट जो शेड है, राइट। तो 4 नंबर के बाल में अगर आप 8 लेवल लिफ्ट करते हो कितना होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आ गया ना 12 लेवल। तो अगेन वही चीज़ है, मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि आपने ये ब्लीच लेना है, ठीक है, और इसको मिक्स करना है 30 वॉल्यूम के साथ। मिक्सिंग रेशो होगा 1:2, इज इट क्लियर। चलिए देखते हैं आगे कि आगे का प्रोसीजर क्या करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है बोल के अंदर, और ग्लव्स अच्छे से, ब्रश, टेलकॉम, सब कुछ सेक्शन क्लिप रेडी रखना है, और क्लाइंट को बिठाना है, एंड देन जस्ट पुट द टॉवल एंड कटिंग शीट, कलर शीट आपने उसको लगाना है, और उसके बाद आपने सेक्शन बाई सेक्शन पहले ब्लीच को लगाना है, ठीक है। तो ब्लीच कैसे लगाएंगे मैं आपको सिखाता हूँ।
पहला सेक्शन प्रोफाइल सेक्शन, नंबर टू सेक्शन रेडियल सेक्शन। फ्रंट के बालों को सेक्शन क्लिप से टक कर दिया, बैक साइड के बालों को अच्छे से आपने सेक्शन बाय सेक्शन अपने एप्लीकेशन करना है। लाइक अगर आपने फर्स्ट सेक्शन लिया तो हॉरिजॉन्टल लेना है, सेकंड लेना है फिर भी हॉरिजॉन्टल लेना है। मतलब जब आप एप्लीकेशन करते हो ग्लोबल का या ब्लीच का, तो उस एप्लीकेशन में आपका जो सेक्शनिंग है वो सेक्शनिंग होता है हॉरिजॉन्टल लाइक अ फ्लोर, गॉट इट? जैसे आप हेयर कट करते हैं ना स्ट्रेट हेयर कट, सेम वे आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है, ठीक है? इज इट क्लियर? अब आपने ब्लीच को मिक्स किया अच्छे से 1:2 रेशो में और आपने लगाना है। सबसे अच्छी बात है मल्टी टेक्निक पाउडर में लॉरेल का ये ब्रांड है, बहुत अच्छी बात है कि मैं इसको यूज़ करती हूँ और मैं देखती हूँ अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट पाउडर लगता है मुझे मल्टी टेक्निक। लाइक इसका लिफ्टिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसके साथ आप इजीली काम कर सकते हो। आपको एश ग्रे चाहिए तो भी अच्छे से लिफ्ट होता है, मेन चीज़ यही है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ सीक्रेट फार्मूला हाउ टू क्रिएट एश ग्रे हेयर कलर, आप जाइएगा देखिएगा और आप सीखेंगे कि उस एश ग्रे को भी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ईजी है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप थ्योरी आपको एक बार क्लियर हो जाएगी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात कर रहे थे क्या, सबसे पहले आपने लेना है ब्लीच, उसको आपने मिक्स किया सेक्शन बाय सेक्शन अपने एप्लीकेशन किया, पहले बैक साइड का लेफ्ट साइड, बैक साइड का राइट साइड, फ्रंट साइड में लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड में राइट साइड। जब आप पीछे से पूरा एप्लीकेशन कर लेंगे 30 वॉल्यूम में करेंगे, इज इट क्लियर? जब आप फ्रंट में आएंगे तो आपने करना है 40 वॉल्यूम में, इज इट क्लियर? क्योंकि जब आप पीछे लगाते लगाते 30 वॉल्यूम तक आओगे तो 30 का प्रोसेस होते हुए 40 तक पहुंच जाता है, जब तक पहुंचेगा तो आप 40 में लगा देंगे, राइट? इज इट क्लियर? लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें भी क्लाइंट कंसल्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने क्लाइंट से क्लाइंट कंसल्टेशन करेंगे, आस्क लिसन लुक अगेन आस्क एंड एन टच। क्लाइंट कंसल्टेशन के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाइएगा देखिएगा हाउ टू डू क्लाइंट कंसल्टेशन, राइट? सबसे मेन चीज़ है देखना ज़रूरी है कि क्लाइंट के जो बाल हैं, अगर तो मेरे जैसे बालों का टेक्सचर है तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से रफ है, एज यू कैन सी दैट माय ऑल हेयर इज़ लाइक मोर रफ मोर फ्रिजी। सो ऐसे हेयर पे अगर आप सोचेंगे कि कुछ ब्लीच करने के बाद कोई कलर, तो बाल माई हेयर इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी गॉन, राइट? सारे बाल चले जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, रफ हो जाएगा, फ्रिजी हो जाएगा, आपका क्लाइंट और अपसेट हो जाएगा। मेन चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्रिएटिव कलर करते हैं आप, उसके लिए बालों का टेक्सचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी टेक्सचर होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाल जो है क्लाइंट का जो बालों का टेक्सचर है वो होना चाहिए मीडियम से थिक टेक्सचर, इज इट क्लियर? मीडियम से थिक टेक्सचर होना चाहिए, ठीक है, राइट? चाहे वो कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन हेयर कलर कर रहे हैं या कोई भी आप बहुत ब्यूटीफुल हेयर कलर कर रहे हैं, लाइक कोई भी कॉन्ट्रास्ट हेयर कलर कर रहे, कोई भी वाइब्रेंट कलर कर रहे, जैसे कि पिंक हो गया, जैसे कि आपका यू नो इफ यू टॉकिंग अबाउट पिंक, इफ यू टॉकिंग अबाउट एश ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन, बिकॉज दीज ऑल कलर्स लाइक मोर कूल शेड्स, राइट? पिंक कलर जो है वो ज़्यादा कूल और वॉर्म में भी नहीं आता एक्चुअल में, यू नो। तो आपको जितने भी वाइब्रेंट कलर चाहिए उसके लिए आपका टेक्सचर, क्लाइंट का टेक्सचर जो है मीडियम से थिक होना चाहिए, इज इट क्लियर? इज इट कन्फर्म? इज इट राइट? आर यू ओके? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें और सीखनी है, आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपका कोई भी क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, आगे ब्लीच लगाया आपने 30 वॉल्यूम के साथ, पीछे आगे लगाया 40 वॉल्यूम के साथ। अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है, फिर आपने पूरे ब्लीच आपने पीछे लगाया आगे लगाया, आपने इसका जो लेवल है, इसका लेवल हमको एटलीस्ट 11 लेवल लिफ्ट चाहिए इसका, ठीक है? इज इट क्लियर? पिंक के लिए भी आपको 11 लेवल तक, नहीं तो 12, ज़्यादा से ज़्यादा 11 लेवल तक भी अगर आप लिफ्ट कर देंगे। पहले येलो का क्या नंबर होता है, 10 नंबर होता है ना, उसका एक लेवल थोड़ा ऊपर ही जाना है। थोड़ा सा भी जब आप ब्लीच करते हो उसमें गोल्डन टिंच ऑरेंज टिंच नहीं रहना चाहिए, इज इट क्लियर? अच्छे से आपने उसको लाइट लेवल लिफ्ट किया और जब धीरे धीरे वो लाइट हो जाएगा आपका पूरा कलर ब्लीच अच्छे से परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए 20 वॉल्यूम के साथ अच्छे से मिक्स करना है एंड रूट्स रूट्स में आपने लगा देना है, ठीक है? क्विक लगाना है और जल्दी से 5-10 मिनट रखने के बाद तुरंत शैम्पू स्टेशन में आपने जाना है, राइट? अच्छे से उसको शैम्पू स्टेशन में माइल्ड वॉश करना है, राइट?
उसके बाद क्या करना है उसके बाद, तो चलिए देखते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला तो अब आने वाला है। मैं दिखाती हूँ आपको एक्चुअल में क्या क्या शेड आप यूज़ करेंगे एक्चुअल में पेस्टल पिंक कलर्स को क्रिएट करने के लिए। चलिए देखते हैं। जी हाँ गाइस, तो डियरिशेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, लॉरियल में ही है डियरिशेस कलर होता है जो कि आपको मिक्स करना है। मैं आपको बता देती हूँ इसका जो थ्योरी है, बहुत ही ईजी है। डियरिशेस का क्लियर का ट्यूब आता है, राइट? अगर आप जाएंगे डियरिशेस का चेक करेंगे, क्लियर की ट्यूब होती है, आपने क्लियर की ट्यूब लेनी है डियरिशेस की, ठीक है? अगर आपने हाफ, अगर आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं, इस पिक्चर में यहाँ पे क्या थ्योरी है अगर आप देखते हैं पिक्चर्स में। सो गाइस, मैं आपको इस फार्मूला को अच्छे से समझा देती हूँ, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं 1/4 क्लियर 2 सेंटीमीटर 4.20। जी हाँ, ये एक फार्मूला है, इसको इसलिए दिया हुआ है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने इसको इसलिए अच्छे से मेंशन किया हुआ है जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह से है ये फार्मूला। जैसे कि अगर आपको चाहिए थोड़ा सा फेडेड, तो जितना सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, अगर आप थोड़ा बढ़ा देंगे तो कलर जो है डार्क होता रहेगा, इसलिए कम से कम सेंटीमीटर डालेंगे तो कलर फेडेड नज़र आएगा। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, अभी लाइट थोड़ी सी कम हो गई है बिकॉज लाइट इज़ गॉन। शाम के 6 बजे है इस वक्त, बट फिर भी यू नो यू कैन सी नेचुरल लाइट इज़ देयर बिकॉज मेरी बैल्कनी से ना बहुत नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आती है। सो मैंने सोचा कोई नहीं, बैल्कनी का डोर थोड़ा खोल देती हूँ, बट ये वीडियो तो मुझे कंप्लीट करना ही है, मैं रोक नहीं सकती हूँ, मैं स्टॉप नहीं कर सकती हूँ। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे थे कि जी हाँ, पेस्टल पिंक का थ्योरी फॉर्मूला तो बताना चाहते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखिए, कुछ पिक्चर्स आपको दिख रही होगी, राइट? जी हाँ, यही एक फार्मूला और यही बहुत ईजी फार्मूला है। ब्लीच करने के बाद आपने क्या करना है मैं बताना चाहती हूँ गाइस। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डियरिशेस का कलर यूज़ करूँगी और मेजरल का भी कलर यूज़ कर रही हूँ। मेजरल के अंदर ही दिया रेशिज आता है, राइट? तो दिया का मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फार्मूला है, पहले आप इसको पढ़िए, थोड़ा समझिए। यहाँ पे है दिया रेशिज का 1/4, जी हाँ, क्लियर ट्यूब लेनी है। और आपने लेना है क्या, और इसमें आपने लेना है, जी हाँ, कुछ सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे 4.20, राइट? एंड इसको 6 वॉल्यूम के साथ आपने मिक्स करके अंदर उसके बाद आपने अप्लाई करना है, राइट? तो 6 वॉल्यूम क्या होता है, 6 वॉल्यूम का मतलब होता है, 6% का क्या मतलब होता है, 20 वॉल्यूम, राइट? तो यही चीज़ आपने ध्यान रखना है और यही एक थ्योरी है। ये थोड़ा सा आइडिया के लिए थ्योरी मैं आपको दे रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप पूरे बालों में, अगर आप ग्लोबल करते हो, पूरे बालों में ब्लीच करते हो, तो उसमें क्वांटिटी आपको ज़्यादा चाहिए, सिंपल ऑफ दैट। तो यही चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, एक आपने पूरी एक हाफ ट्यूब, अगर आप क्लियर की ट्यूब लेते हो तो उसमें कुछ सेंटीमीटर आपने डालना है 4.20, ठीक है? और उसके बाद आपने डालना है क्या, 20 वॉल्यूम, उसको मिक्स करना है। और आपने नीचे नीचे पहले एप्लीकेशन करना है, नीचे नीचे एप्लीकेशन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जहाँ मतलब आपने ब्लीच किया है उसके नीचे नीचे आपने एप्लीकेशन करना है, राइट? पूरे बालों को अच्छे से नीचे नीचे एप्लीकेशन करना है, और उसके बाद लीव फॉर जस्ट फॉर 10 मिनट्स, जी हाँ, 10 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना। और उसके बाद जल्दी से तुरंत वॉश करना है, एक रिंस करना है, माइल्ड वॉश भी नहीं करना है, शैम्पू स्टेशन में रिंस कर देना है। और शैम्पू स्टेशन में ही आपने मिक्स करना है, 5.1 इनोवा का लेना है आप, यू नो क्योंकि देखो 5.1 आप, यू कैन जस्ट टेक अ मेजरल का भी ले सकते हो, क्योंकि वेट हेयर में भी आप इनोवा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यस गाइस, बताना चाहती हूँ कि आपने 5.1 लेना है, 20 वॉल्यूम के साथ मिक्स करना है, और उसके बाद उसको रूट्स एरिया में लगाना है, सिर्फ रूट्स में लगाना है, शैम्पू स्टेशन में, ठीक है? आपने छोड़ना है 5 से 7 मिनट, उसके बाद अच्छे से शैम्पू कंडीशनर, कलर प्रोटेक्ट शैम्पू कंडीशनर, चाहे विटामिनों कीजिएगा, कोई भी सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स भी यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जीके का भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सल्फेट फ्री यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इतने ज़्यादा केमिकल के बाद अगर कुछ सल्फेट फ्री प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। एंड देन जस्ट डू शैम्पू एंड कंडीशनर एंड देन जस्ट नाइस ग्लो, राइट? एंड यू कैन सी द रिजल्ट, इट्स लुकिंग अमेजिंग, राइट? पिक्चर देख सकते हो, कुछ ऐसे ही आएगा पेस्टल पिंक। सो कैसा लगा आपको गाइस ये ट्यूटोरियल? अगर आपको अच्छा लगा ये ट्यूटोरियल और कुछ बेनिफिट हुआ आपको, कुछ सीखा आपने, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक में, सो दैट मोर पीपल कैन वॉच एंड मोर पीपल कैन लर्न।
lot of things from my channel. And then guys, आप मुझे Instagram में and Facebook में भी follow कर सकते हैं. Thank you so much. और अगर आपको और भी videos देखना है तो go to my channel and then see lot of video. I uploaded till now 500 above video. Thank you so much guys. And I do amazing haircut, hair color, makeup, styling also. So please continue to watch my video. Thank you so much for your support and keep watching my video. May God bless you. मिलते हैं next video के साथ. It's going to be amazing. Till then, take care. Bye guys. See you very soon. Bye.